आज यहाँ बैठा हूँ पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट की ज़मीन है, जो वहाँ पर भू माफियाओं के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा लगभग 54 एकड़ ज़मीन को अतिक्रमित कर दिया गया है। इसकी जानकारी मुझे RTI से प्राप्त हुई। वहाँ के वन पदाधिकारी ने स्वीकार किया कि लगभग 5478 एकड़ भूमि जो है वो अतिक्रमित है। इस मामले को लेकर जब मुझे RTI से मिला, मैंने पटना में भी दिया है, धरना प्रदर्शन मैंने शुरू किया है, मैं दिल्ली में आया हूँ, राजघाट पे परसों गया था, और मैं बहुत ही मर्माहत हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए कि जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण की भूमि से जो आंदोलन की शुरुआत की थी आज़ादी की, देश की, और देश को आज़ाद कराया था, उसी चंपारण की भूमि को आज भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, और हमारी सरकार जो आज़ाद सरकार है वह सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हम लोग मरमाहत इस बात के लिए कि हम लोग चाइना सुनते थे, पाकिस्तान सुनते थे, एक छोटा सा राष्ट्र नेपाल ने भी इस तरह का कर लिया है। मैं ग्राउंड पे गया था, लोगों से जानकारी मिली कि कुछ अपराधियों के द्वारा यह षड्यंत्र लंबे समय से रचा जा रहा था। वहाँ दोहरी नागरिकता की बात आ गई है, जो इंडियंस थे अपराधी, उन लोगों ने पूरे ज़मीन को कब्जा किया और बाद में जाकर के उन्होंने नेपाल की नागरिकता ली, दोहरी नागरिकता। और सुस्ता एरिया जो है पूरे देश के अपराधियों का एक अड्डा बनता जा रहा है, वहाँ जाके लोग शरण ले रहे हैं। और जिस चंपारण से चलकर महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया, हमारा ये देश जो है 150वीं बापू की जयंती मना रहा है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से बापू की आत्मा करा रही होगी कि हम आज़ाद भारत में हो क्या रहा है, हमारी चंपारण की भूमि को शर्मसार करने की हिम्मत किसने कर ली, कैसे हो गई। और जो भी लोग आज सत्ता में हैं, जो भी, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, क्योंकि वह ज़मीन एक दिन में कब्जा नहीं हुई है, लंबे समय से उपेक्षा की गई है भारत की सरकार के द्वारा। मैं यहां आया हूं, दिल्ली देश की सबसे बड़ा आईना है, उस आईने में देश के लोग अपनी तस्वीर देखते हैं, विश्व का लोग तस्वीर देखता है, और उसमें बैठे हुए जो लोग हैं उनसे आप ये देखें, मैंने इस देश के 655 राज्यसभा लोकसभा मेंबर को इस बात की जानकारी दिया है, मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप लोग इसको लोकसभा में उठाएं, क्योंकि यह देश की माटी का सवाल है, राष्ट्रहित का सवाल है, और इस पर एकजुट होकर के जांच करा करके जैसे भी हो उस ज़मीन को वापस लाएं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक इंच ज़मीन के लिए आज भाई भाई आपस में मर कट रहे हैं, लेकिन चूँकि यह भूमि देश की भूमि है, राष्ट्र की माटी है, राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता का यह मामला है, और इस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो ये गलत मैसेज जा रहा है पूरे विश्व में कि भारत के लोग भारत भूमि के प्रति अब जो है उतने एग्रेसिव नहीं हैं, उसको बचाने के लिए लोग तत्पर नहीं हैं, और हमारी सीमाएं यदि हम लोग नहीं जगेंगे इस देश के लोग, तो हमारी सीमाएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाएंगी। और देश के लोग जब राष्ट्रीय हित से अपने को अलग करते हैं, रुचि से अलग हटते हैं, तो वह देश निश्चित रूप से गुलाम होता है। लेकिन मैं आया हूँ दिल्ली की मैं इस जंतर मंतर पर अपने पार्लियामेंट के सारे मेंबरों को ये बताने के लिए कि गांधी की आत्मा करा रही है, आप लोग जो वहाँ बैठे हो, इस देश के गरीब लोगों का के पैसे से तुम्हें तनख्वाह मिलती है, वो तुम्हें भेजते हैं इसलिए कि तुम देश की सीमाओं को सुरक्षित रखोगे, लेकिन यह देश की यदि सीमाएँ सुरक्षित नहीं रह रही हैं, तो निश्चित रूप से मैं यहाँ से भी घोषणा कर रहा हूँ कि मैं इस देश के गांव-गांव में जाऊँगा, लोगों को बताऊँगा कि देखो मैं इस देश के जो आईना सुप्रीम ये लोकसभा का जो है उस आईने में बैठे हुए सभी लोगों को मैंने इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है, राष्ट्रभक्ति का प्रमाण नहीं दिया है लोगों ने। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव आदमी हूँ, लीगल तरीके से मैं काम करता हूँ। देखिए हमारे पास किसी के विरोध में नारे नहीं लग रहे हैं, जो लोग भी हैं सभी लोग आरजू विनती कर रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ, कर्मचारी हूँ, तो प्रधान सेवक जी मैं हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप और या इस देश के गृह मंत्री जो भी जिम्मेवार लोग हैं एक सार्वजनिक तौर पर एक बयान कम से कम दे दें कि इस देश के लोगों की विश्वास जो है कायम रहे कि नहीं हमारी सरकार मजबूत सरकार है, एक इंच भूमि भी हम लोग इस देश का बाहर नहीं जाने देंगे, और जो भी लूटेरे हैं जिन्होंने दुस्साहस किया है उन्हें वापस लाएंगे और कड़ी सजा दिलवाएंगे, और चंपारण की भूमि का जो सम्मान है इस देश में, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान है, उसे ठेस नहीं लगने देंगे।
या मैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर दिल्ली में धरने पर बैठा हूँ। थैंक यू सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। नहीं, आप लोग के चैनल का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे ऐसी जानकारियाँ कुछ लोगों ने देनी शुरू कर दी कि यहाँ खबरें उन्हीं की चलेंगी जिनके पास पैसे होगा। मैं गर्व के साथ आपके चैनल पर कहता हूँ कि मैंने अभी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा, मैंने क्रेडेंशियल टेस्ट के लिए उनसे ऑर्डर करवाया था, मेरे पास एक इंच जमीन नहीं, एक अपनी मकान नहीं, न तक अंतिम सांस तक यह होगी। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि एक सामाजिक कार्यकर्ता आगे बढ़ा है, सामाजिक व्यक्ति आगे बढ़ा है और राष्ट्रहित के लिए आगे बढ़ा है। आप सभी लोगों को जुड़ना पड़ेगा, तभी यह भारत भूमि की रक्षा हो पाएगी। थैंक यू। Thank you.